धौलावीरा सिविलाइजेशन का टूर ख़त्म करने के बाद हम यहाँ पे एक बहुत ही एंशियंट पार्क बोल सकते हैं, फोसिल पार्क, जहाँ पे एंशियंट फोसिल रखे हुए हैं, उसके लिए निकले हैं अभी। और इन बच्चों ने मेरी हेल्प मांगी है तो आज थोड़ा इनका हेल्प कर देते हैं। आ जाओ, रेडी? इधर देखो, इधर और आज मैं इन बच्चों के साथ राइड कर पा रहा हूँ, जो कि शायद इनको यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला, तो मैं इनको एक छोटा सा लिफ्ट दे देता हूँ। बच्चों के साथ राइड करने का कुछ अलग ही मज़ा है। और मैं इनको इनके डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया हूँ अभी मैं, और काफ़ी खुश लग रहे हैं बच्चे। साथ में से मैं काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी इनर्जेटिक लग रहे थे। उन्होंने मुझे बोला जब आप वापस आओगे तो भी मैं आपका वेट करूँगा और मैं आपके साथ ही चलूँगा। लेट अस सी जब मैं रिटर्न होऊंगा तो ये मुझे मिल पाते हैं या नहीं। और ये मुझे वुड फॉसिल पार्क का एरो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे है, तो ये चलते हैं। शायद अब बिल्कुल ऑफ रोड जैसा ही हो गया है, सामने कोई रोड तो है नहीं, तो देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं। आज थोड़ी ऑफ रोडिंग जैसी भी हो गई, थोड़ी क्या, आज तो पूरी ही ऑफ रोडिंग हो गई है। जुरासिक के टाइम का फॉसिल्स है यहाँ पे, इसलिए मुझे डायनासोर्स की इमेजेस भी दिख रही हैं, स्कल्पचर्स भी हैं। दूसरी स्टोरेज, ओह बट व्यू काफी काफी खूबसूरत सा, बिल्कुल वाव वाली फीलिंग आ जाएगी आपके अंदर इस व्यू को देख के। और ये जो गेट दिख रहा है, इस बाउंड्री के अंदर फोर्सेस को प्रिजर्व करके रखा गया है, उसका इस तरह से रखा गया है ताकि वो प्रिजर्व रहे। सारे जो रॉक्स हैं वो बिल्कुल अजीब से शेप्स में हैं, और ये फॉसिल का वो स्टोन है जिसको मैं आगे की तरफ से कवर करने की कोशिश करूंगा आपको। और ये रॉक हमें बता रहा है कि ये है फॉसिल डिस्प्ले का एरिया। मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ। पूरा ये ग्लास के अंदर कवर है, उसके पास तक जा पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ आप इस ग्लास की जो बाउंड्री है उसके बाहर से ही इसको कवर कर पाएंगे, देख पाएंगे। और मैं जितना क्लोज व्यू हो सके वहाँ तक आने की कोशिश करूँगा। ये कुछ फॉसिल्स यहाँ पे कवर करके भी रखे गए हैं, और जो ओपन डिस्प्ले में जो फॉसिल है वो लॉक की वजह से हम अंदर नहीं जा पाएंगे, तो मैं बाहर से दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ये है वो एक्चुअल फॉसिल्स, जो आपको बिल्कुल रॉक की तरह लग रहा है, बट एक्चुअली ये रॉक नहीं है, ये पेड़ का एक पार्ट है जो बिल्कुल पत्थरों के बीच में बहुत दिन तक रहने के कारण इसका शेप ऐसा हो गया है। और इस पर कुछ प्रिजर्वेटिव लगाया है जिससे थोड़ा सा ये शाइन कर रहा है, बहुत ही पुराना जुरासिक टाइम का।
गए हैं सनसेट पॉइंट के बीच के ऊपर, बीच तो नहीं बोलेंगे बट काफ़ी सुंदर सा व्यू बिल्कुल बीच से मिलता जुलता। इस बीच पे बिल्कुल आपको कोई भी क्राउड नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल अकेले होंगे, जैसे मैं बिल्कुल अकेला इस बीच पे आज हूँ और बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट को कवर करने का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर, सन ऑलमोस्ट अपने लास्ट स्टेज में है, थोड़ी ही देर में वो सेट हो जाएगा और व्यू आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत।